हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। सो आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो। तो आज की जो टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डेवलपर या डेवऑप्स का अगर मुझे कोर्स करना है तो मैं कौन सा कोर्स करूँ। ठीक है, तो डेवऑप्स का अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए AWS में। ठीक है, तो AWS का जो सर्टिफिकेशन है अगर आप देखते हो तो तीन सर्टिफिकेशन है। AWS.amazon.com पे जाओ, सर्टिफिकेशंस पे जाओ। ठीक है, तो आपको तीन सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं वहाँ पे। वो सर्टिफिकेशंस में अगर आप जाते हो तो जो मैंने आपको बताया, इसमें एक मिनट दो, मुझको कुछ तो गड़बड़ है। AWS.amazon.com सर्टिफिकेशन, ठीक है, एंड इस पर अगर आप आते हो तो आपको मिलेगा, सही तो डाला था, सर्टिफिकेशन, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, तो नहीं तो अगर आप सर्टिफिकेशन लिखते हो तो वो आ जाता, राइट। तो यहाँ सर्टिफिकेशन में जाते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं अवेलेबल, है ना। और इसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का तो आपके पास काफ़ी सारा है। इसमें यूट्यूब की जो चैनल है उसमें आपको मिल जाता है। क्लाउड लर्निंग यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारा कुछ मिल जाता है, राइट। तो वो तो आपके पास है ही। अगर आप यहाँ जाते हो क्लाउड लर्निंग का यूट्यूब चैनल, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाते हैं चैनल पे, राइट। तो ये तो आपको AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मिल जाता है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि भाई डेवऑप्स का अगर मुझे कोर्स करना है, ये जो डेवऑप्स वाला डेवलपर वाला जाते हो, तो डेवऑप्स के कोर्स के लिए मुझको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ टॉपिक करने हैं। वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स कर सकते हो। सी सॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर का भी मैंने कोर्स ऑलरेडी पहले ही कंटेंट शेयर किया हुआ है, तो वो कोर्स कंटेंट भी आपके पास इसी वीडियोज़ में मिल जाता है। क्लाउड लर्निंग को सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी डिटेल, है ना। तो ये तो आपको यहाँ मिल जाता है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाती है। लेकिन डेवऑप्स, हेलो गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग। तो डेवऑप्स के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो डेवऑप्स के लिए आपके पास जो कोर्स कंटेंट है वो मिलेगा, ये रहा मैंने बना रखा है लिस्ट सारी। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या टॉपिक कवर करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। मैं टॉपिक बता देता हूँ वन बाय वन। आप अपनी चेक लिस्ट लगा सकते हो कि अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ पे एक स्टेटस का टैग लगा दो और उस पर आप लिख दो कि क्या स्टेटस है। डन हो गया तो लिख दो डन, क्लियर, राइट। तो ऐसा करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चेकलिस्ट आप अपनी बना सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो डेवऑप्स के कोर्स के लिए आपको चाहिए EC2। EC2 आपको पता है सर्वर मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें देखते हो सर्वर मैनेज कैसे करते हैं, और ये मैं काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। EC2 का सेक्शन आपको वीडियोस में मिल जाता है। अगर आप आज यूट्यूब क्लाउड लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो कर सकते हो आप वहाँ से। EC2 के आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, तो क्या प्राइसिंग मॉडल होते हैं, क्या इंस्टांस टाइप होती है, कैसे सर्वर बनाया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। सेम चीज़ EBS में भी आपको पता होना चाहिए कितने वॉल्यूम्स हैं, कितने इसके टाइप्स हैं, कितने कैसे इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये मिलता है। लोड बैलेंसर भी आपको कवर करना है तो लोड बैलेंसर में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, अभी एक थर्ड टाइप का लोड बैलेंसर आ गया वो भी है, टारगेट ग्रुप और ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, ये आपका कोर्स में आता है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 3, ठीक। IAM है, IAM के अंदर आपका यूजर्स ग्रुप्स रोल, IAM पॉलिसी, IAM रोल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अकाउंट सेटिंग्स, EC2 विद S3 रोल, CLI डेमो, ये सब आपको कवर करना है, ठीक है। मेरे पास से करना चाहते हो तो ये आपका एक वेबसाइट है AWSLearning.teachable.com, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यहाँ से आप AWS का सेल्फ लर्निंग कोर्स लो, इसके अंदर ये सारे चीज़ें प्रैक्टिकली करके शो किया हुआ कि कैसे कैसे आपको इसको करना है, ठीक है। तो अगर आप इसका कोर्स कंटेंट देखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। EC2 काफ़ी डिटेल में हर चीज़ प्रैक्टिकल के साथ बताया, कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे काम करोगे, है ना। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का है,
फिर उसके बाद तुम्हारा ईबीएस का है, ईबीएस के कितने टाइप्स हैं देखो, क्या स्नैपशॉट्स है, कैसे बैकअप लेते हैं, लोड बैलेंसर का है, क्या क्या लोड बैलेंसर बनाया हुआ है, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। प्रैक्टिकली अगर आप ये करना चाहते हो तो ये भी फॉर श्योर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको मिल जाता है आईएम, मैंने बताया आपको आईएम के अंदर आपको यूज़र ग्रुप रूल्स, आईएम पॉलिसी, आईएम रूल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सीएलआई कैसे सेटअप करते हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। राउट 53 में आपको क्या डोमेन है, कैसे आप होस्टेड जोन हैं, क्या पॉलिसीज हैं, हेल्थ चेक कैसे बनाओगे, वेबसाइट कैसे अटैच करोगे लोड बैलेंसर के साथ में, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और राउटिंग पॉलिसी क्या है, तो ये 5 तरीके की राउटिंग पॉलिसी होती है, ये भी कवर होना चाहिए। देन आरडीएस में आपको पता होना चाहिए कि कैसे बैकअप लेना है, कैसे आपको एक इसमें और टॉपिक इंस्टांस कवर कर लो, हाउ टू क्रिएट माई एस क्यूएल और एनी अदर डेटाबेस, ठीक है, जो यहाँ आरडीएस के अंदर दिया हुआ होता है, एंड कनेक्टेड, ये 2 चीज़ें आपको इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत करी है आपके लिए इसमें आज। देन S3 की सर्विस हो गई, S3 के अंदर स्टोरेज क्लास क्या है, S3 की बकेट को कैसे सिक्योर करोगे, ठीक है, सिक्योर करने के लिए क्या क्यों यूज़ कर सकते हो, बकेट पॉलिसी आप यूज़ करोगे, ACL क्या होती हैं, बकेट पॉलिसी क्या होती है, इनक्रिप्शन कैसे सेटअप करोगे, कोर कन्फिग्रेशन कैसे करोगे, ये सब आपको करना है। देन सर्वरलेस टोपोलॉजी, अब सर्वरलेस टेक्नोलॉजी होगी तो ये तो करीब करीब आपका जो पार्ट आ गया, ये देखो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला ही पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे कवर हो जाता है करीब करीब। देन इसके बाद आपका आ जाता है कि सर्वरलेस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हो, तो इसके अंदर लैम्डा आ गया, API गेटवे आ गया, वर्जन कंट्रोलिंग लैम्डा के साथ कैसे करोगे, लैम्डा की जो अगर एग्जीक्यूशन एक साथ करनी है काफ़ी सारे इंस्टांसिस की, वो कैसे करोगे, लैम्डा VPC के साथ कैसे सेटअप करोगे, स्टेप फंक्शन क्या होता है, एक्सरे क्या होता है, एक्सरे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, API गेटवे कैशिंग क्या होती है, और एडवांस API गेटवे के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर कर लेना चाहिए। ये आपका मेन डेवऑप्स का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डेवऑप्स में आपको ये सब चीज़ें, ये सर्विसेज आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किया हुआ है तो यहाँ तक तो श्योर हो, लेकिन ये वाला आपका पार्ट जो है ना, ये आपको नया आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए डेवऑप्स पर्पज से। देन DynamoDB में कैसे DynamoDB टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे इंडेक्सेस होते हैं, कैसे स्कैन वर्सेस क्वेरी क्या है, प्रोविजन थ्रूपुट क्या है, ऑन डिमांड कैपेसिटी क्या है, DB एक्सीलरेटर क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन KMS कैसे मैनेज करते हो वो भी आपको आना चाहिए, KMS की API कॉल कैसे होती हैं, कस्टमर मैनेज की क्या है, एनेबल अप इनक्रिप्शन क्या है, और उसकी कुछ एग्जाम टिप्स भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। देन बाकी सर्विसेज जैसे आपका क्लाउड फ्रंट, SQS, SQSQ, SQS की सेटिंग्स क्या हैं, SQS की डिले क्यू क्या है, लार्ज मैसेज क्या है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या है, SNS क्या है, SES में क्या डिफरेंस है, इलास्टिक बीन स्टॉक कैसे है, एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करोगे इलास्टिक बीन स्टॉक में, अपडेट कैसे करोगे एप्लीकेशन को, कैसे अपडेट करोगे इलास्टिक बीन स्टॉक में, RDS और इलास्टिक बीन स्टॉक में क्या डिफरेंस है, किनेसिस क्या है और किनेसिस की लैब्स क्या है, किनेसिस शार्ड एंड कंज्यूमर्स का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डेवलपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन इंट्रोडक्शन टू CI और CD, ठीक है, ये भी एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो अगर आप डेवलपर कोर्स कर रहे हो या डेवऑप्स कोर्स कर रहे हो, दोनों एक ही बात है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन में आपसे ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी कि कोड कमिट क्या है ना, कोड कमिट की सर्विस है, ये गिट का है, गिट के बराबर इक्विवेलेंट होता है, तो डेवऑप्स में गिट बहुत यूज़ होता है। तो कोड कमिट क्या है, कोड डिप्लॉय क्या है, ठीक है, कोड डिप्लॉय हो गया आपका, कोड कमिट हो गया, कोड डिप्लॉय हो गया, कोड पाइपलाइन हो गया, ठीक है। कोड पाइपलाइन क्या आपका जेंकिंस हो गया, तो कोड कमिट, कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन, ये तीनों सर्विस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
देन आपको इलास्टिक कंटेनर सर्विस के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, डॉकर एंड कोड बिल्ड क्या है, डॉकर और इलास्टिक बीन स्टॉक को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्लाउड फॉर्मेशन क्या है और सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल क्या है। तो ये भी आपको डेवऑप्स के एग्ज़ाम के लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप नोट कर सकते हो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद आप IAM की जो एडवांस टॉपिक है लाइक वेब आइडेंटिटी फेडरेशन, कॉग्निटो लैब, कॉग्निटो का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। STS की एज्यूम रोल विद वेब आइडेंटिटी, ये होता है कि एज्यूम रोल किया जाता है अभी विद वेब आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको करना चाहिए। इनलाइन पॉलिसी क्या है, मैनेज पॉलिसी क्या है और कस्टम पॉलिसी क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और क्रॉस अकाउंट एक्सेस भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप क्रॉस अकाउंट में एक्सेस करोगे। इसके अलावा दो सर्विसेज आपकी मॉनिटरिंग की आ जाती हैं, क्लाउड वॉच और क्लाउड टूर। तो ये टॉपिक आपके ज़रूर कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन कई बार चेंज हो जाती है, तो मैंने आपको एक एक चीज़ गो थ्रू करा दी है कि क्या क्या टॉपिक आपका कवर होना चाहिए और क्या क्या टॉपिक आप ऐसे इसको श्योर कर लो कि ये आपने कवर कर लिया है, तभी आप डेवऑप्स या डेवलपर एसोसिएट एग्ज़ाम के लिए आगे जाइए, ठीक है। तो ये सर्विसेज आप अपना अच्छे से कर लेना अगर आप डेवऑप्स या डेवलपर एसोसिएट एग्ज़ाम के लिए जाते हो। मैं तो मतलब इसको डेवऑप्स ही कहता हूँ, बाकी आप सर्टिफिकेशन में देखोगे तो आपको ये मिलेगा, सर्टिफिकेशन में आपको मिलता है डेवलपर एसोसिएट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये आके जाके डेवलपर डेवऑप्स इंजीनियर ही बनता है, तो ये सेम ही चीज़ होती है। तो ये आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अगर आपको ये सारी सर्विसेज आती हैं अच्छे से तो, ठीक है। और अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स करना चाहते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने ये कोर्स कंटेंट दिया हुआ है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, पूरा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मेरी वेबसाइट aws.learning.teachable.com, इस पर जाकर आप इसको हिंदी या इंग्लिश में परचेज कर सकते हो। और 50% डिस्काउंट अगर आप इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखते हो तो आपको मिल जाता है। ये कोर्स कंटेंट मैं बराबर अपडेट करता रहता हूँ और एज़ पर आपके फीडबैक मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ये भी कर सकते हो यूज़, और 50% का कूपन मैंने बताया आपको, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप ये बाय कर सकते हो या मुझको पेटीएम या UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। सारी डिटेल मेरी कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट अस में जाओगे मेरी वेबसाइट के, तो यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से डिटेल ले सकते हो। मुझे मेल भी कर सकते हो, या अगर आपको कोर्सेज देखने हैं तो कोई भी कोर्सेज का मैंने लिंक दिए हुए हैं, जैसे अगर आप यहाँ से भी मेरी वेबसाइट से आपको डायरेक्ट मिल जाता है, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे हिंदी कोर्स को और यहाँ पे बाई कोर्स करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहीं पर ले आएगा, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट है ये cloudlearning.co.in, यहाँ पर आप आके इसको कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। अवेलेबल कोर्सेज हैं काफ़ी सारे, अगर आप मान लो डॉकर का लेना चाहते हो तो डॉकर के लिए आप बाय कर सकते हो, और डॉकर के लिए आपको ये इसके शेयर की वेबसाइट है, अगर मेरे थ्रू लोगे तो आपको, अगर आप इस लिंक के थ्रू जैसे मैंने आपको दिया है तो आप अगर इसके थ्रू एनरोलमेंट कराते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तो कुछ क्लासेस फ्री रहती हैं, कुछ पेड रहती हैं, पेड के लिए आपको लेना पड़ता है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो काफ़ी लो कॉस्ट पे मिल जाता है, अराउंड मेरे ख्याल से 300-400 रुपीज़ पर मंथ का है। अगर आप दूसरी साइट्स देखोगे लाइक लाइनक्स अकेडमी या ए क्लाउड गुरु या काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी हैवी प्राइसिंग लेते हैं, लेकिन ये साइट है जिसपे अराउंड 22,000 कोर्सेज हैं, और सारे टेक्निकल ही नहीं है, नॉन टेक्निकल भी काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन वर्थ करता है। तो मैंने तो ले लिया था और मैं आगे रेफर भी करता रहता हूँ। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लोगे तो आपको 7 डेज़ का टाइम मिलेगा, अगर मेरे थ्रू लोगे तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री, उसके बाद आप चार्ज लेना चाहो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इसमें लाइनक्स का, गिट का, जेंकिंस का मैंने काफ़ी अच्छे कोर्स छाट के रखे हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। मेरा हिंदी का या इंग्लिश का कोर्स आप AWS में
आप मेरे थ्रू यहाँ से ले सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स मिलता है और इसके थ्रू आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आप यहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में जाओ चैनल की और यहाँ से आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए, मान लो पाइथन का चाहते हो नॉलेज, बिगनर के लिए मतलब काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे। और बाकी कोर्सेज की डिटेल्स तो मैंने आपको दे ही दी। थैंक यू, बाय बाय।